अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ बिलाल चीमा फ्रॉम आर्क मार्केटिंग .pk। आज हम बैरियटन इस्लामाबाद में जिस फ्रेशली कम्प्लीटेड 21 मरला डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इट्स नॉट अ रेगुलर डिज़ाइनर हाउस। दिस हाउस हैव मैनी इंप्रेसिव फीचर्स। इट्स अ कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन सेमी फर्निश्ड डबल हाइटेड लॉबी हाउस विद ट्रांसपेरेंट ग्लास सीलिंग वर्क फॉर नेचुरल डे लाइट विच मेक इट फुली एनर्जी एफिशेंट हाउस एंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ लग्जरी डिज़ाइन एस्थेटिक्स। इस घर की प्लॉट डायमेंशन 55x90 feet है विच मेक्स इट अ लिटल यूनिक एंड बिकॉज ऑफ दैट 1 मरला एक्स्ट्रा लैंड रूम sizes are comparatively very spacious. It's a 5-bedroom luxury house with attached washrooms and 4 jacuzzis, totally solid 100% ash woodwork, 3x6 tile, high quality in all over the house, imported chandeliers and imported tile in washroom, 4 cars parking, 2 TV lounge, 1 open sitting area, 1 separate drain dining, 2 servants, 9 CCTV cameras, SOS security alarm system pre-installed, heating system radiator installed in all rooms and washrooms. The only thing which is missing is inverter ACs, wo aap apni choice ke jo marzi laga sakte hain. Iske features mein heighted location, 1 marla एक्स्ट्रा लैंड नियर टू बहरिया मेन एंट्रेंस, 2 servants room, इजी अप्रोच टू इस्लामाबाद एज वेल एज मेन कमर्शियल हब सिविक सेंटर, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन वैली ग्रॉसरी स्टोर एंड मैनी मोर। और ये घर बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज 1-6 की प्राइम लोकेशन है। इस घर के फीचर्स, एमिनिटीज, प्राइस डिटेल हम इसी वीडियो में रिवील करेंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। आइए घर को विजिट करते हैं। ये इस घर का फ्रंट फसाड है जहाँ हमें हाई क्वालिटी ब्लैक ग्रेनाइट का काम मिलता है और साथ में फ्रंट पे एक स्मार्ट लॉन ग्रीन पैच है। बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट डिजाइन है इस घर का। मेन गेट की बात करें तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक वर्टिकल लूवर डिजाइन स्लाइडिंग सॉलिड गेट है। ब्लैक के साथ हमें गोल्डन का कॉम्बिनेशन मिलता है गेट पे और फ्लोर पे हमें टफ टाइल के साथ हाई क्वालिटी सॉलिड टाइल वर्क मिलता है। आइए घर के अंदर चलते हैं। कारपोर्ट में 4 कार्स स्पेशियस पार्किंग स्पेस है विद टाइल फ्लोरिंग एंड आर्टिफिशियल ग्रास वर्क ऑन वॉल्स। मेन एंट्रेंस के राइट साइड पे लॉन है विद वाटरफॉल फाउंटेन और गेट के साथ यहाँ पर हमारे पास मशीन का एरिया है जो ऑटोमेटिक ओपनिंग गेट का भी यहाँ लगना है। ये सामने हमारे पास फाउंटेन एरिया है जो अभी ऑपरेशनल नहीं है। फ्रंट के ऊपर फुली टाइल वर्क है, ब्यूटिफुल सीलिंग वर्क है, एलिगेंट डिज़ाइन पूरे घर में आपको फॉलो होता नज़र आएगा। आप नोटिस करेंगे घर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल में किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमें कुछ प्लांटेशन का प्लांटर एरिया मिलता है और सामने हमारे पास ये आर्टिफिशियल ग्रास वर्क ऑन वॉल। प्रॉपर मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन पूरे घर में आपको फॉलो होते नज़र आएंगे। फ्रंट फसाड और मेन एंट्रेंस पे सॉलिड हाई क्वालिटी टाइल वर्क है विच इज़ फॉर एवर न्यू, नो नीड टू रीपेंट। मेन एंट्रेंस पे हाई क्वालिटी मार्बल यूज़ हुआ है ऑन स्टेप्स और मेन एंट्रेंस सॉलिड एश वुडन पिवट डोर है 9 फीट हाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल एलिगेंट एंट्रेंस, डबल हाइटेड लॉबी के साथ विद ट्रांसपेरेंट ग्लास सीलिंग वर्क फॉर अ नेचुरल डे लाइट। रेलिंग ग्रिल्स पे CNC कटिंग डिज़ाइन है और लॉबी में वर्टिकल लूवर डिज़ाइन के साथ ट्रेवेंटाइन टाइल यूज़ हुई है विद गोल्डन स्ट्रिप्स। मेन एंट्रेंस के सामने TV लाउंज, फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स, लेफ्ट पे डाइनिंग रूम और राइट साइड पे सेपरेट ड्राइंग रूम हमें मिलता है। आइए फर्स्ट ड्राइंग रूम में चलते हैं। बहुत ही ह्यूज साइज ड्राइंग रूम है, एज आई सेड बिफोर कि यहाँ पर 1 मरला एक्स्ट्रा लैंड के साथ रूम साइजेस हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, सेम एलिगेंट डिज़ाइन डोर वर्क, 3x6 टाइल फ्लोरिंग और सामने हमें वॉल्स के ऊपर हाई क्वालिटी मार्बल इंस्टॉल्ड मिलता है 4x8 का और साइड पे हमें फोमिंग वॉल पैनल मिलते हैं। सेपरेट ड्राइंग रूम है और यहाँ पर शैंडलियर और 3 ब्लेड फैंस के साथ जो विंडोज़ पूरे घर में यूज़ हुई हुई हैं वो डबल ग्लेज्ड UPVC हाई क्वालिटी विंडोज़ है और तमाम विंडोज़ पे आपको यहाँ पर SOS सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इंस्टॉल्ड प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। ये आपको इसकी एक प्रेजेंटेशन होगी। ड्राइंग रूम के साथ लॉन व्यू, सॉलिड एश वुडन डोर्स, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, ये सामने हमारे ट्रेवेंटाइन वर्क पूरी लॉबी में, CNC कटिंग के साथ एश वुड के साथ रेलिंग, ट्रेवेंटाइन
स्टेयर्स के नीचे हमें आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क मिलता है, और ये हमारे पास यहाँ पर एक पाउडर रूम। पूरे घर में आपको सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन हर जगह फॉलो होता नज़र आएगा। ये सामने हमारे पास अब डाइनिंग एरिया आ गया विद स्लाइडिंग डोर्स, एश वुडन डोर्स विद ट्रांसपेरेंट ग्लास, सी थ्रू ग्लास, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, थ्री ब्लेड्स फैन, डायगोनल मिरर कटिंग के साथ यहाँ पर डाइनिंग रूम की वॉल है, और ग्लॉसी शाइनी 3x6 की यहाँ पर फ्लोरिंग पे टाइल है। बहुत ही एलिगेंट व्यू है पूरे घर का। इट्स अ मिनी रॉयल पैलेस। अब ये हम टीवी लाउंज में चलते हैं विद सेम ट्रांसपेरेंट ग्लास। लेफ्ट साइड पे हमें ओपन किचन मिलता है, और राइट साइड पे हमारे पास एक स्पेशियस टीवी लाउंज। अगेन ग्लॉसी टाइल्स यहाँ पर भी यूज हुई हुई है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉल सीलिंग विद मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। टीवी लाउंज में हमें साथ एक आर्टिफिशियल ग्रास के साथ एक प्लांटर एरिया भी मिलता है। ये 9 सीसीटीवी कैमराज प्री इंस्टॉल्ड हैं, 75 इंच की LED प्री इंस्टॉल्ड है, और ये बैक साइड जो मीडिया वॉल्स हैं पूरे घर की, उसमें सब पे हाई क्वालिटी मार्बल यूज़ हुआ है। ये इंडोर हमारे पास आर्टिफिशियल फायर पैनल, स्लीक डिज़ाइन में मीडिया वॉल। टीवी लाउंज में हमें किचन का भी व्यू मिलता है, आइए किचन देखते हैं। डीप ब्लैक कोरियन किचन काउंटर टॉप्स विद ग्लॉसी शाइन विच इज़ स्क्रैचलेस, 2 ओवन्स, डबल डोर फ्रिज प्री इंस्टॉल्ड, हाई क्वालिटी विनियर कैबिनेट्स, फुली डिज़ाइनर वर्क जो किचन में हुआ हुआ है। यहाँ से आपको किचन का एक व्यू, मैट फिनिश के अंदर ग्रेन्स के साथ यहाँ पर विनियर यूज़ हुआ हुआ है कैबिनेट्स पे। ये ट्रांसपेरेंट किचन कैबिनेट्स विद द कम्बिनेशन ऑफ हाई क्वालिटी विनियर किचन डिज़ाइनर कैबिनेट्स। ये आपको ड्रॉर्स की प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, सॉलिड कोरियन, और बैक साइड ऑफ द किचन में भी वॉल पे हाई क्वालिटी टाइल की वर्क हुआ हुआ है, ट्रांसपेरेंट कैबिनेट्स। किचन के साथ हमें बैक साइड पे डर्टी किचन मिल जाता है। ये हमारे पास कटलरी स्टैंड्स, डिशवॉशर प्री इंस्टॉल्ड, यहाँ पर भी हाई क्वालिटी डीप ब्लैक कोरियन किचन काउंटर यूज़ हुआ हुआ है, सेम क्वालिटी की ग्रेन्स के साथ विनियर हाई क्वालिटी डर्टी किचन में भी, सॉलिड वुडन एश डोर्स। ये हमारे पास यहाँ से टीवी लाउंज का एक व्यू आ गया, आइए ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम्स को देखते हैं। 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। दोनों बेडरूम्स की सेंटर वॉल पे हाई क्वालिटी सीनरी टाइल्स इंस्टॉल्ड है। ये फर्स्ट बेडरूम, ये सेकंड बेडरूम, आइए फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं। पूरी वॉल के ऊपर हमें फॉर्मिंग वॉल पैनल्स मिलते हैं विद वर्टिकल डिज़ाइन। ये हमारे पास ड्रेसिंग, ये उसकी कैबिनेट्स हाई क्वालिटी विनियर में, ये ग्लॉसी विनियर शीट्स, इसकी एक आपको प्रेजेंटेशन होगी। और जो दूसरी शीट्स हैं वो मैट फिनिश में है। इसके साथ ही अटैच इसका वॉशरूम, डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिंपल एलिगेंट सीलिंग वर्क, हाई क्वालिटी फोमिंग वॉल पैनल्स विद सेम गोल्डन स्ट्रिप्स डिज़ाइन, और ये इसकी मीडिया वॉल विद 40 इंच LED प्री इंस्टॉल्ड,
और 3x6 की यहाँ पर टाइल यूज हुई हुई है विद गोल्डन स्ट्रिप्स, अटैच वॉशरूम विद जकूजी, रेन शावर, वॉल माउंटेड WC, बिग साइज जकूजी टब है ये, मैट फिनिश में भी टाइल है और ग्लॉसी टाइल्स भी यहाँ पर यूज हुई हैं, और ये हाई क्वालिटी ग्रेनाइट मार्बल का सिंक टॉप है, हाई क्वालिटी सैनिटरी यूज हुई हुई है, वॉशरूम्स में भी और रूम्स में भी हमें हीटिंग रेडिएटर्स नजर आएंगे हर जगह पे। बहुत ही एलिगेंट डिजाइन सब रूम्स का। आइए सेकंड बेडरूम में चलते हैं। डिफरेंट स्टाइल फॉर्मिंग वॉल पैनल्स, मीडिया वॉल, फॉल सीलिंग, सब डिज़ाइन मुख्तलिफ है। स्वेड स्टाइल फॉर्म वॉल पैनल्स हैं विद डायगनल गोल्डन स्ट्रिप्स लाइंस, और ये हमारे पास सामने मीडिया वॉल, कैबिनेट्स, विंडोज पे सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम यहाँ पर भी इंस्टॉल्ड है, 3x6 की हाई क्वालिटी ग्लॉसी शाइनी टाइल्स, 40 इंच की LED प्री इंस्टॉल्ड, सेम विनियर कैबिनेट्स ग्लॉसी शाइनी यहाँ पर भी रूम्स में, साथ इसके अटैच वॉशरूम, ये सेकंड कैबिनेट्स, स्टोरेज का कोई मसला नहीं, 6 फीट हाइटेड डोर्स हैं, शायद उससे भी थोड़े ज़्यादा हों, ये उसका अटैच वॉशरूम, हाई क्वालिटी कोरियन यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, डिफरेंट स्टाइल टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं ग्लॉसी और मैट फिनिश में, हीटिंग रेडिएटर्स यहाँ पर भी इंस्टॉल्ड हैं, ये सिटिंग एरिया शावर में, और ये हमारे पास यहाँ रेन शावर। पूरे घर में बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन है, हाई क्वालिटी सैनिटरी फिटिंग्स यूज़ हुई हुई हैं। आइए अब आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलते हैं। हर जगह पे सॉलिड 100% 2 इंच थिकनेस के एश वुडन डोर्स हैं। डबल हाइटेड लॉबी, फुली एनर्जी एफिशिएंट है। डिज़ाइन चेक करें आप, देखिए बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट डिज़ाइन, CNC कटिंग के साथ रेलिंग ग्रिल्स है, और हमारे पास एश वुडन यहाँ पर रेलिंग ग्रिप हमें मिलती है, और ये हमारे पास ग्रेनाइट मार्बल जो स्टेयर स्टेप्स पे यूज़ हुआ हुआ है। ऊपर जाके स्टेयर्स दो साइड पे टू साइडेड डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट, यहाँ पर भी एक बेडरूम है और ये TV लाउंज, और साथ 2 बेडरूम इस साइड पे। हाई क्वालिटी बैक लिटेड लाइट के साथ टाइल्स और फॉर्मिंग पैनल्स, बहुत ही स्पेशियस फीलिंग, इम्पोर्टेड शैंडलियर्स, टर्किश शैंडलियर्स हैं ये। आइए थर्ड बेडरूम में चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में। ये सामने आपको एरिया नज़र आ रहा होगा, ये टेरेस एरिया है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में एक दफ़ा इसकी प्रेजेंटेशन दे दूंगा। यहाँ पर भी वही UPVC डबल ग्लेज्ड विंडोज़ विद सिक्योरिटी SOS अलार्म सिस्टम यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है। ये इस रूम का वार्डरोब एरिया, तमाम रूम्स के अंदर वार्डरोब बहुत अच्छी टू द सीलिंग हाइट है, और स्पेस का कोई मसला नहीं, स्टोरेज का कोई मसला नहीं है पूरे घर में। डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉल सीलिंग विद द डिफरेंट कलर कम्बिनेशन ऑफ स्वेड फोम वॉल पैनल्स, इस रूम से हमें साथ एक आर्टिफिशियल ग्रास का जो ओपन टू स्काई एरिया है उसका एक व्यू भी मिल जाता है। ये हमारे सामने इसकी मीडिया वॉल स्लीक डिज़ाइन में विद हाई क्वालिटी टाइल,
ये हमारे पास लॉबी व्यू आ गया डबल हाइटेड, और टीवी लाउंज का, और ये हमारे पास ओपन टू स्काई सिटिंग एरिया का, यहाँ से एग्जिट एंट्रेंस भी इधर से है। एक अटैच वॉशरूम विद बैकलाइटेड मिरर, ग्लास इनक्लोज शावर, जकूजी इंस्टॉल्ड, वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी, ग्रे कलर में टाइल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। इस रूम से बाहर निकलिए तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास अब टीवी लाउंज आ गया, बहुत ही स्पेशियस, एनर्जी एफिशिएंट पूरा एरिया। ये देखिए, ये सामने हमारे पास ओपन टू स्काई एरिया आ गया, ये भी मैं आपको रूम्स के बाद दिखाता हूँ। डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉल सीलिंग, थ्री ब्लेड्स फैन, ब्यूटीफुल शैंडलियर, एक हमारे पास यहाँ पर एक ओपन सर्विस किचन मिल जाता है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टोव एक प्री इंस्टॉल्ड है। ये हमारे पास सामने मीडिया वॉल विथ 55 इंच ऑफ LED प्री इंस्टॉल्ड, बेसिक लूवर डिज़ाइन, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। ग्राउंड फ्लोर पे जो दो बेडरूम्स थे एक आइडेंटिकल लेकिन थोड़े बड़े साइज में ये बेडरूम्स हैं। डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉल सीलिंग, स्वेड स्टाइल फोमिंग वॉल, मीडिया वॉल, कैबिनेट एरिया, वार्डरोब, अटैच वॉशरूम, जकूजी विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ टाइलिंग, वॉल माउंटेड WC, बैकलाइटेड मिरर, डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिंक, हीटिंग रेडिएटर्स यहाँ पर भी प्री इंस्टॉल्ड। इस रूम से बाहर निकले, सॉलिड वुडन डोर्स, सेंटर में जहाँ पर सीनरी टाइल थी अब यहाँ पर मिरर हमें मिलता है फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट बेडरूम, ह्यूज साइज ऑफ अ बेडरूम, इट्स अ मास्टर बेडरूम अगेन विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉल सीलिंग, फॉर और स्ट्रेट फॉर्मिंग वॉल पैनल्स विद डायगनल गोल्डन स्ट्रिप्स डिज़ाइन, ह्यूज साइज ऑफ वार्डरोब विद अटैच वॉशरूम, हीटिंग रेडिएटर्स, 40 इंच LED प्री इंस्टॉल्ड, बहुत ही ज़बरदस्त वॉशरूम है। इट्स अ मिनी रॉयल पैलेस, बिग साइज जकूजी टब यहाँ पर मिलता है विद रेन शावर। वार्डरोब एरिया बहुत अच्छा है, स्टोरेज स्पेस का तो मसला है ही कोई नहीं इस घर में, तो बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है, कोई नेगेटिव स्पेस मुझे तो एटलीस्ट अभी तक नहीं नज़र आई। ये अब हमारे पास ओपन टू स्काई एरिया आ गया विद आर्टिफिशियल ग्रास, लश ग्रीन, आंखों को देखने में भी अच्छा लगता है ये उस रूम से उसका व्यू। और इसके साथ ये हमारे पास, ये टोटल मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, ये सामने भी एक रूम मिल जाता है और एक स्टोरेज रूम भी यहाँ पर मिल जाता है। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये भी अच्छा हैंडसम साइज ये भी रूम है, यहाँ पर सिटिंग एरिया भी बन सकता है, बारिश हो रही हो तो इनडोर कॉफ़ी टी भी इंजॉय की जा सकती है। ये UPVC शीट्स के साथ साउंड हीट प्रूफिंग जो विंडोज़ पे थी ये उसके साथ ही इसका डोर है स्टोर रूम का। अब ये इसका 360 आपको मैंने व्यू दिखा दिया है सारा। आइए रूफ टॉप पे चलते हैं। ये हमारे पास इसकी रेलिंग आ गई, मार्बल स्टेप्स, बहुत ही ह्यूज साइज रूफ है, और हमारे पास यहाँ पर टू सर्वेंट क्वार्टर हमें मिल जाते हैं विद किचन, लॉन्ड्री एरिया एंड अटैच वॉशरूम। तो ये बहुत अच्छा एक इस घर का एक और फीचर है कि टू सर्वेंट रूम है, और यहाँ पर हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट ग्लास डे लाइट के लिए जो हाई क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर यूज़ हुआ है ये उसकी एक प्रेजेंटेशन, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, बहुत अच्छा व्यू मिलता है डबल हाइटेड लॉबी का यहाँ से। ये ओपन टू स्काई सिटिंग एरिया। अब आपको मैं रूफटॉप दिखाता हूँ, ये बहुत ही ह्यूज साइज रूफ है।
और वैसे भी ये घर हाइटेड लोकेशन पे है तो इसका व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस घर के अंदर इट्स अ फुल ऑफ फीचर्स, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, ये CNC कटिंग में यहाँ पर बैक साइड पे दीवार पे ये यूज़ हुई हुई है। अब मैं आपको घर की बैक साइड भी दिखा देता हूँ और यहाँ से जाते जाते आप इसकी सारी चीज़ें दोबारा देख लीजिए। मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। इट्स अ 5-bedroom हाउस, टोटली एश वुड वर्क, इम्पोर्टेड शैंडलियर्स एंड इम्पोर्टेड टाइल्स, वॉशरूम, 4 cars पार्किंग, 2 TV लाउंज, 1 separate ग्रैंड डाइनिंग, 2 servants, 9 CCTV कैमराज, SOS सिक्योरिटी सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड, हीटिंग रेडिएटर्स इन ऑल ओवर द रूम। जो एक चीज़ मिसिंग है वो है इन्वर्टर ACs, वो हम अपनी मर्जी के कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस घर की जो डिमांड है वो 12,70,00,000 है। ये यहाँ पर हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर पे टीवी लाउंज के साथ आर्टिफिशियल ग्रास का जो प्लांटर एरिया है, ये स्पाइरल स्टेयर्स जो पहले फर्स्ट फ्लोर को भी टच कर रही हैं और टॉप फ्लोर पे भी जा रही हैं, और गीजर्स प्री इंस्टॉल्ड हैं, हीटिंग और गैस दोनों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये हीटिंग रेडिएटर्स के ये बॉयलर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और ये किचन से यहाँ पर विंडो का व्यू। पूरे घर में किसी भी चीज़ पे मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। लोकेशन बहुत अच्छी है, हाइटेड लोकेशन है, अप्रोच घर की बहुत अच्छी है। सो हर लिहाज से इट्स 10 out of 10। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।